सब्सक्राइब कीजिए माय एक्साइटिंग व्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। तो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर फ्रेंड मोहित बैक विद अदर व्लॉग्स। सो गाइस, पहले तो उन पांच भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने लास्ट व्लॉग में कमेंट किया था। आप उनका कमेंट यहाँ पे देख रहे होंगे एंड आपको फिर से बताना चाहूँगा कि भाई जरूरी नहीं है अगर आपको एक बार आपका कमेंट यहाँ पे देखने को मिला है फिर से आपको अपना कमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही बोलता हूँ, बढ़िया बढ़िया कमेंट आप करते रहिएगा, तो प्लीज़ ऐसे ही बढ़िया कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए गाइस, आज के व्लॉग के हम स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में जो हम आपको कार दिखाने वाले हैं वो है आपकी वर्ना फ्लूइडिक, क्योंकि आप में से काफ़ी भाइयों की डिमांड रहती थी कि भाई वर्ना फ्लूइडिक पे व्लॉग दिखाओ। एंड जैसे कि अभी पीछे व्यू दिखा दूँ, यहाँ पे जो गए ना कार देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी इनमें से कार जो खड़ी है यहाँ पे शरीफ भाई के यहाँ पे कार है। अब ये सारी यार हम आपको व्लॉग में नहीं दिखा सकते, वो बाद में बताऊंगा। चलो क्यों नहीं दिखा सकते, शरीफ भाई को पहले बुला ही लेता हूँ, वही बताएंगे हम क्यों नहीं दिखा सकते। तो शरीफ भाई आओ यार, क्या तो शरीफ भाई, बढ़िया मुझे बढ़िया भाई बढ़िया। बस शरीफ भाई इतनी सारी चीज़ें कार खड़ी कर रखी है, अगर हम ये व्लॉग में दिखाने लगे भाई कितना टाइम लग जाएगा हमें दिखाने में। भाई भाइयों को दो दिन का खाना साथ लेके बैठना पड़ेगा क्योंकि हिलेंगे तो है नहीं वो देखने से। सही बात, आपको बता दूँ कि शरीफ भाई की जो जितनी भी ज़्यादातर कार थे आपको यहाँ पे पार्किंग में ले, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो शरीफ भाई का जहाँ पे शुरू में वहाँ पे इतनी जगह नहीं होती, तो इसलिए शरीफ भाई की अपनी सारी कार यहाँ पे शुरू में इधर खड़ी करते हैं पार्किंग में। तो शरीफ भाई अब ये बताओ जी, आज हम दिखा रहे हैं ये वर्ना फ्लूइडिक जी। तो अब स्टार्ट करें फिर इस वीडियो के बारे में। बिल्कुल जनाब, कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे पहले, बुलेट से या नंबर से? आज अंदर से करते हैं, जहाँ से तुम बोले वहीं से कर देंगे। साहब चलो पहले वही करते हैं जो नॉर्मल, पहले यार सर नंबर पे आ जाओ। जैसे मैं बार कहता हूँ एक बार नंबर का ध्यान दे लीजिए, DL7CN0736 ये गाड़ी का नंबर है। ठीक है भाई, हमारे स्टॉक में ये गाड़ी रिसेंटली ऐड हुई है और होपफुली दो तीन दिन से ज़्यादा रुकेगी नहीं, क्योंकि आप जो भाई जो हमारे प्यारे भाई बैठ के देख रहे हैं उनमें से कोई भी एक बंदा आके ये गाड़ी लेके चले जाएंगे। सही नसीब की गाड़ी है। ओके, इंजन पे आते हैं मोहित भाई, इंजन एक बार कवर कर लेते हैं। इंजन भी गाड़ी खोल के दिखाना है एंड स्टार्ट भी कर रहे हैं सबके साथ। जी भाई तो सर भाई अब खोलो जब खोल रहे हैं। जी भाई, तो गाइस ये देखिए ये आपका डीजल इंजन है ना भाई? जी भाई, ये डीजल इंजन है CRDI। ठीक है, ह्यूंडई के अंदर मैं भी आपको बोनट डाउन करके बताऊँगा, पहले आप इसके एप्रंस देख लीजिए। ये एप्रन है गाड़ी के, ये बोनट है पूरा सील्ड, कोई लगी भी नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं, इंजन में कोई ऑयल लीकेज नहीं। गाड़ी में बैटरी मैंने खुद न्यू डलवाई है, एक साइड की ब्रांड न्यू बैटरी डली है। ओके ठीक है जनाब, भाई एक बार कार को बंद कर दें फिर नॉइज आएगी तो भाइयों को दिक्कत होगी थोड़ी यार। तो क्या इंजन हमने आपको स्टार्ट करके दिखाया, इंजन के हमने साउंड सुनी एकदम शांत इंजन था इसका, जबकि डीजल है भाई इतनी इसमें आवाज़ नहीं थी। जी एज कम्पेयर टू अदर अनदर मॉडल जी। सो अब आगे भाई शेयर करो इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन। मोहित भाई ये गाड़ी 2011 मॉडल है। ठीक है, और ये डीजल वर्जन है। अब जो हमारे भाई देख रहे हैं NCR से बैठे हो तो कहेंगे भाई ये तो दो साल बाद गाड़ी बंद है। हाँ जी डेफिनेटली ये गाड़ी दिल्ली के अंदर बंद है, बट ये मंथ होता है ये। जैसे अक्टूबर मंथ की गाड़ी 2011 में, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2021 में अक्टूबर से पहले, हाँ जी, आप अगर ये गाड़ी दिल्ली में रहकर भी आप परचेस करते हो और आप दो साल इसे चलाना चाहते हो तो दो साल चलाने के बाद भी आप इसकी NOC ले सकते हो अदर स्टेट के लिए। तो NOC लेने के बाद आपको न्यू स्टेट का नंबर मिल जाता है, देन उस गाड़ी को आप यहाँ भी ड्राइव कर सकते हो और अपने स्टेट में भी ड्राइव कर सकते हो। बाकी जो हमारे भाई बाहर से देख रहे हैं, दिल्ली के बाहर से या कहीं दूर से देख रहे हैं, उनके लिए तो NOC प्रोवाइड है, उनके लिए ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, वो आए अपनी गाड़ी की NOC लें और अपनी NOC लेके नया नंबर अपना लेकर वो आराम से चला सकते हैं। भाई एक बार बताओ, काफ़ी भाई कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को NOC चाहिए होती है तो NOC कितने टाइम में मतलब मिल जाता है? देखिए NOC हमारे यहाँ 1 वीक टू 10 डेज के अंदर आपको मिल जाती है, एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर हम NOC आपको दे देंगे। जिस दिन आप गाड़ी लेने आते हैं गाड़ी आप सेम डे अपनी लेके जा सकते हैं, NOC हम आपको 1 वीक टू 10 डेज के अंदर कुरियर कर देते हैं। ओके ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई नोन है तो आप उन्हें भी भेज के बाय हैंड भी मंगा सकते हैं, वो भी हमारे यहाँ। ओके तो चलिए गाइस, एक बार पहले हम आपको पूरा कार का ओवरव्यू दिखाते हैं फिर डाउन चलते हैं कार के अंदर। तो एक बार पूरा कार का ओवरव्यू देखिए, कार का हमने आपको ओवरव्यू पूरा दिखा चुके हैं। तो भाई आप चले फिर अंदर। बिल्कुल भाई, तो गाइस आइए एक बार आपको दिखाऊं। सो गाइस एट द टाइम हम आ चुके हैं वर्ना फ्लूइडिक के अंदर। सो भाई स्टार्ट कीजिए, अब इन्फॉर्मेशन बताइए पहले तो हमें। मोहित भाई ये गाड़ी 2011 मॉडल है वर्ना फ्लूइडिक, ये 1.6 SX है, अपने सेगमेंट का टॉप मॉडल है। ठीक है, 1.6 SX इसके अंदर टॉप आता है। इसके अंदर कंपनी ने तीन वेरियंट दिए हैं,
1.6 EX, 1.6 SX, एंड जो इससे ऊपर आता है उसे हम ऑप्शनल कहते हैं, 1.6 SX ऑप्शनल। ओके ठीक है। अब पब्लिक जो है वो पूछती है भैया इसमें फर्क क्या है तीनों ऑप्शन में। हाँ जी, तो वो फर्क एक बार हमें बाहर जाके पता लगेगा, मैं अंदर से भी आपको बता देता हूँ। जो 1.6 EX होता है ना उसके अंदर सिंगल एयर बैग आता है। ठीक है ठीक है। इसमें ड्यूल एयर बैग है, ये 1.6 SX है। इस पे स्टीयरिंग पे भी एयर बैग्स मिलेंगे आपको और पैसेंजर एयर बैग्स भी मिलते हैं। ठीक है ठीक है जी। अंदर का टोटल इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ सेम होता है गाड़ी का। हाँ जी। देन जो सेकंड फोर्क आता है इसके अंदर 1.6 EX में और SX में, इसमें साइड मिरर्स का आता है। जो EX होती है उसमें साइड मिरर्स जो होते हैं वो हाथ से ही होते हैं, हाथ से खोलने पड़ते हैं, हाथ से ही बंद होते हैं। और इसमें फोल्डेबल्स मिरर्स हैं, ये बटन से ही ओपन है, बटन से क्लोज है, तो ये फोल्डेबल मिरर हैं इसके अंदर और अंदर से ही एडजस्टेबल होते हैं दोनों गाड़ी के अंदर। ओके। प्लस जो 1.6 EX होती है उसके अंदर कंपनी अलॉयज नहीं आते, वो रिम टायर आते हैं उसके अंदर। ठीक है। बट इसके अंदर SX के अंदर कंपनी अलॉयज देती है। ओके जी। इसमें ये फर्क आता है मोहित भाई आपके तीन बेसिक चीजों का, प्लस फॉग लैंप्स का फर्क आता है क्योंकि इसमें कंपनी फॉग लैंप देती है। प्लस गैस, ये देखिए सामने आपके ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि वरना से ही लगा हुआ मिलेगा जी, ना? जो वरना से जो नीचे हम देख रहे हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है ना भाई? जी भाई, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल है गाड़ी के अंदर, स्टीयरिंग माउंटिंग्स हैं, सिक्स स्पीड वन रिवर्स, जी सिक्स स्पीड वन रिवर्स है गाड़ी के अंदर। प्लस ये बैक कैमरा है, अगर हम अपने बैक साइड में देखते हैं भाई तो ये बैक कैमरा भी है गाड़ी के अंदर। ओके ठीक है जनाब। देन अब गाड़ी की इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। अगर आप गाड़ी देखेंगे तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 71,000 चली है विद सर्विस रिकॉर्ड है। ओके। गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड जो है वो Hyundai से ले सकते हैं। सो गाइस, ये जो आपकी कार चल रही है 71,000 किलोमीटर चल रही है विद सर्विस रिकॉर्ड है। ओके। सो गाइस, जैसे हमने आपको फ्रंट का दिखाया था, अब आपको बैक से दिखाते हैं। तो शेर भाई देखते यहाँ पे स्पेस, मोहित भाई इसकी सीट मैंने सबसे पीछे, चलो एक बार आगे करो, लेकिन तब भी आपने पीछे कर रखे तब भी स्पेस है आराम से बैठने का। अब ये करने के, अब ये देखो गाइस आराम से 5'10" मेरी हाइट है, हेडरूम भी इसमें काफ़ी मिलेगा एंड फ्रंट में आप देख ही रहे हो यार काफ़ी स्पेस है इधर, एंड सीट भी इसकी भाई काफ़ी बढ़िया है, मतलब जी सेडान्स में अगर कंपेयर करते हैं और सेडान से। तो चलिए गाइस, ये सब हमने आपको दिखा दिया बैक सीट भाई, अब इसका आता है बूट स्पेस। अब हम दिखा रहे हैं बूट स्पेस, अब इसका बूट स्पेस जरा खोल के दिखाएं एक बार आप मुझे। सो गाइस ये देखिए इसका बूट स्पेस भाई, अराउंड कितने लीटर का बूट स्पेस अप्रोक्स भैया? कोई 400 से 500 लीटर, 400-500 लीटर का बूट स्पेस आराम से मिलेगा जी। ओके। सो चले भाई, अब हमने कार का ओवरव्यू भी दिखा दिया, कार की लुक्स भी दिखा दी, कार की डिटेल्स भी दे दी। आपने नंबर पे ध्यान नहीं दिया, नंबर पे ध्यान नहीं दिया, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपने, अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो ध्यान से देखेंगे ये 736 है, अगर ये RTO थोड़ा सा और घुमा देता है 786 हो जाता है, क्योंकि आपका लकी नंबर है वो। मेरा भी खैर और सबका, हमारे कितने भाइयों का वो लकी नंबर है। हाँ जी, ये 786 बन जाता। हाँ जी हाँ जी। अगर आप इसमें स्टाइलिश नंबर प्लेट लगवाते हैं ना, हाँ, आप इसे ये 786 ही लगेगा दूर से देखने में। ओके जी। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं ना दूर से, एकदम बंदे को ऐसा लगता है यार ये 786 है, लेकिन ये 736 है। बस कार का हमने आपको ओवरव्यू दिखा दिया, हमने आपको इंजन भी दिखा दिया, कार का वॉकराउंड भी दिखा दिया, अंदर से कार का इंटीरियर भी दिखा दिया। अब भाई फिर से एक बार डिटेल्स शेयर करो कार के बारे में। मोहित भाई 2011 मॉडल है ये गाड़ी, 1.6 SX है, अपने सेगमेंट का टॉप है, 71,000 चली है, सर्विस रिकॉर्ड ठीक है, फुल इंश्योर्ड है गाड़ी, एंड टायर मैंने ब्रांड न्यू डलवाई इसमें ब्रिस्टन के। ओके ठीक है। सो मेन जो बात आती है वो पैसे के ऊपर आती है। देखिए गाड़ी यार डालने को हम कोई भी डालें, हाँ जी, हमारे इंडिया में जो 85% जो पॉपुलेशन है ना जो कार को बाय करना चाहती है, उनका मेन जो बजट होता है वो 50,000 से और 7-8 लाख के बीच में ही होता है। हाँ जी, क्योंकि हर सब की ना पॉकेट में अवेलेबल हो जाता है कि हाँ यार इतना पैसा कोई भी खर्च करके गाड़ी ले लेगा। ठीक है। 15-20 लाख की गाड़ी लेना, 30 लाख की गाड़ी लेना हर किसी के बस की नहीं होता है, 10 लाख प्लस जाते ही ना बंदे का बजट हिल जाता है। तो हमारे पास स्टॉक में वैसे तो सब होता है, बट हमें सबकी चॉइस के हिसाब से दिखाना पड़ता है। जैसे लोग कमेंट्स में डालते हैं फॉर्च्यूनर, हमें फॉर्च्यूनर ही पेश करनी पड़ती है, और भाइयों ने कमेंट डाले कि भैया वरना लेकर आओ, तो हमने वरना की है। इको स्पोर्ट के लिए भी कहा है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इको स्पोर्ट मिलेगी। Okay. अगर हम इसी में डालेंगे तो व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करवाएंगे इस चीज़ के लिए। so नेक्स्ट व्लॉग में आपको इको स्पोर्ट है जी, ठीक है भाई, वो हम अभी शूट करेंगे, बट वो इन्हें भाइयों को हमारे नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलता है। तो अब ये बताओ पहले तो ये जो मॉडल है इसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग बात करें, ओरिजिनल कॉस्टिंग अगर आप उस टाइम पे देखते हैं ना तो 12,90,000 की इनवॉइस है गाड़ी की, जबकि अब वरना के यही मॉडल के रेट मोर देन 14 लाख है, 14 लाख प्लस है ठीक है इस गाड़ी के रेट, जो न्यू शेप मॉडल में है ये उस टाइम पे 13,90,000 की थी ऑन रोड प्राइसेस सारे इंक्लूसिव टैक्सेस के साथ। ओके okay. अब भाई इसकी मेन कॉस्ट पे आते हैं, क्या रखें? 5 लाख होगी, ज़्यादा हो जाएगा यार, ज़्यादा बोल दी, ज़्यादा हो जाएगा, 4.5 लाख
वो भी ज़्यादा है, 4 लाख थोड़ा सा और कम, 390 थोड़ा सा ऊपर, 395,000 3,95,000 3,95,000 3,95,000 95,000 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 बट ये फिक्स प्राइस नहीं है भाइयों। हाँ जी, आप लोग आओगे आपके लिए जो बेस्ट होगा वो डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे, प्लस गाड़ी अल्टीमेट है यार, लेने के बाद ना आपको जस्ट सिंगल पेनी नहीं लगानी गाड़ी के ऊपर। आप अभी लो, अभी आपका मन करे कि यार मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, सर्विस भी मत कराना, सर्विस भी मैंने करवाई एडिशन और शोरूम से ही करवाई। 3,95,000 जो की है नेगोशिएबल है जी भाई, बिल्कुल। एंड गाइस आपको बता दूँ, शरीफ भाई के साथ तुम्हारे भाई के भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, और आपको पता है शरीफ भाई के जो प्राइस होते हैं ना यार, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते। तो अगर कभी भी आप चाहे वरना परचेज करना चाहते हैं, इको स्पोर्ट, फॉर्चुनर, कोई भी परचेज करना चाहते हैं गाड़ी, पहले पूरी दिल्ली का वॉक अराउंड करके आइए भाई। जब आप थक जाओ, जब आपको, देखिए हमारे यहाँ कार नहीं, हमारे यहाँ एतबार होता है, मेन होता है इंसान का भरोसा। मैं अगर एक चीज़ गलत दे दूंगा ना तो आप जिंदगी भर मेरे पास नहीं आओगे, और 10 लोगों को आने से मना कर दोगे, बट मैं एक अच्छी चीज़ दूंगा ना तो नए 10 लोगों को आप मेरे पास ले आओगे। तो नाम कमाने में ज़्यादा मज़ा आता है, पैसा तो और कोई कमाता है, भाई इज्जत करते हैं सबसे बड़ी बात है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, शॉर्ट कर देते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले व्लॉग में, एंड अगले व्लॉग में आने वाली है इको स्पोर्ट। प्लस गाइस एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, शरीफ भाई जो हमने लास्ट व्लॉग बनाया था जी बजट कार्स पे यार, उसमें हमें ड्रिलिंग मशीन चल रही थी, इतनी आवाज है यार, वो ऑफिस अंडर रेनोवेशन था ना, हाँ इस वजह से। अब एक बार बताओ गैस, एक बार बता दूँ, लो बजट पे जो कार्स पे हमने व्लॉग बनाया है उसमें 5-6 कार कवर किए, जिसमें लो बजट कार्स है, लाइक 70,000 की, 1.25 लाख की। अगर आप वो बोलते हो तो मैं उसको म्यूजिक के साथ डालना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन सारी मैं उसमें लिख दूंगा, अगर आप बोलोगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप डालो, भाई भी हमारे एडजस्ट करेंगे, आप म्यूजिक के साथ उसे डाल देना, प्लस सारी डिटेल उसमें नीचे लिख देना। हाँ जी, ताकि भाइयों को समझ आ जाए थोड़ा सा। भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एडजस्ट करना, बाकी इससे नेक्स्ट वीडियो में जो होगा कोशिश करेंगे और बजट करना। गैस क्या था एक्चुअली, यहाँ पे एक वैसी ट्रैफिक की आवाज़ थी और एक वैसी ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ थी, इसके वजह से उसमें बहुत नॉइस था, तो आप एडजस्ट कर लेना, वो भी व्लॉग मैं आपके लिए जल्दी से लेके आऊँगा। तो चलिए गैस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तो दोस्तों बाय बाय।